अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। 8:30 बज रहे हैं, मैं सुबह जल्दी उठ गया हूँ क्योंकि मुझे 8 बजे अपनी बेटी को स्कूल छोड़ना होता है। और उसके बाद मैं अब सोच रहा हूँ कि जिम विम ज्वाइन कर लूँ, थोड़ी बॉडी शॉडी बना लें। यार हेल्थ पे तो फोकस है ही नहीं बिल्कुल, बाकी सारी चीज़ों पर फोकस हो जाता है हम लोगों का। एक बात आप लोगों से ये करनी है, एक अंदर हमारे एक कीड़ा करवट ले रहा है, वो क्या है वो आपको बताता हूँ। भाई देखिए, इंसान की देख फितरत होती है, कोई भी चीज़ उसको जो उसका गोल होता है या चीज़ चाहिए होती है, कहीं जाना होता है ना, तो वो उसकी टो में लगा रहता है। लेकिन जब उसको वो अचीव कर लेता है, उसके बाद उसके लिए वो नॉर्मलाइज हो जाती है, बोलते हैं बस ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अभी रुकेंगे, ये देखें, ये जो है ना, मैंने एक, ये मेरे पास जो है ना, ये सुपर ड्राई का एक ना ये अपर है, ये मुझे ना इतना पसंद था ना, आपकी सोच है, मतलब आपकी सोच है कि मुझे कितना पसंद था ये। मैं इसको जब मैंने ये थाईलैंड से लिया था ना, तो फिर मैं उसको इसको मैं कहीं पहनता ही नहीं था। मैं इसको बोलता था कि नहीं, बहुत कहीं अच्छी जगह पर पहनूंगा। लेकिन अब क्या हुआ कि अब ऐसा ही है कि बाइक वाइक भी पहन के निकल गया कहीं भी। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि हमारे अंदर की कड़वे ने नहीं, कीड़े ने करवट लिए और विजय जना अपनी गाड़ी चेंज करने की ना खुड़क हो रही है। तो भाई मेरे पास है इस वक्त अभी करोला 2012 GLI सेडान। चुप। हाँ, 2012 है, तो वो गाड़ी जो है ना, अब हमारे दिल में ये हो रहा है कि उसको हम यार हो रहा चला गया कौवा। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि भाई मैं गाड़ी को ना गाड़ी की तरह रखता हूँ, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि फुल बाप बना के रखा हूँ कि मैं भी इतने बंदे नहीं बिठाऊंगा, मैं हम यहाँ नहीं जाएंगे। भाई गाड़ी है, बस ठीक है, चलाओ यार, चार पहिए हैं, इतना ज़्यादा वो नहीं रखना, सही है। तो अब मेरे पास ना 2-3 ऑप्शन हैं, और ये ब्लॉग भी इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को मुझे बताना है कि ये 3 ऑप्शन है मेरे पास, इन 3 में से आपका भाई कौन सा चूज़ करे। तो भाई ये है मेरी गाड़ी, अल्लाह का शुक्र है कहीं से भी एक्सीडेंट नहीं है, बस छोटी मोटी वो रिवर्स करने में हल्के फुल्के बाइक वाले साइड मिरर से टकरा जाते हैं, वो वाला सीन है। लेकिन उसके अलावा जो है ना कोई मसला नहीं है। और ये अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं निकालूं। वैसे 2012 का जो है मॉडल है ना, ये फुल जो ना क्या कहते हैं उसको, कामयाब मॉडल है, मतलब वो गधा गाड़ी कहते हैं उसको ना, कि चलाओ बस, सस्पेंशन भी अच्छे हैं, लेग स्पेस भी अच्छी है, डिग्गी भी अच्छी है। गाड़ी की डिग्गी की बात कर रहा हूँ, चल तो सही रही है, मसला नहीं है। लेकिन मुझे ये हो रहा है कि अब कुछ नया कुछ करते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तो अक्सर सुबह सुबह जो है ना, हम बेगम के साथ ना यहीं पर नाश्ता करते हैं, बच्ची को छोड़ के आते हैं, उसके बाद जो है ना नाश्ता करते हैं। क्यों भाई बेगम, क्या नाश्ता खाओ, चलो। अच्छा भाई, कोई भी गाड़ी लेनी हो ना, तो उसके लिए आपको एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है कि पैसे, सही है। और पैसे आते हैं स्पॉन्सर से, और स्पॉन्सर तो आपको पता ही है। फॉरेक्स एक तेजी से बढ़ती हुई मार्केट है जो अभी भी इंतजार कर रही है अपने जीतने वालों का। आसानी से कमाई करने और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए ऑप्टा एफएक्स एक बेहतरीन ऑप्शन है। इनकी उर्दू ट्रेडिंग वेबिनार्स, डेमो अकाउंट्स और अप टू डेट एनालिटिक्स के साथ कोई भी इंडस्ट्री में आसानी से एंट्री मार सकता है। इसके अलावा इसमें डिपॉजिट और विड्रॉल के बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। इसमें पाकिस्तानी लोकल बैंक की सहूलत भी मौजूद है। तो अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को बूस्ट करने के लिए कनेक्ट K100 का प्रोमो कोड यूज करें और अपने पहले डिपॉजिट पर 100% बोनस हासिल करें। ऑक्टा एफएस को डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नाउ बैक टू द वीडियो। मैं आपको पहला ऑप्शन दिखाता हूं ऑक्टा। मिस्टर फैजान, क्या हाल है भाई, कैसे हैं? खैरियत से, आप कैसे हैं? ओहो, तो भाई इसके पास जो है ना, ये है अपना वेट। ये कौन सा मॉडल है, 2018? यार ये 2018 मॉडल है और 22 की रजिस्ट्रेशन है। 2018 मॉडल है, 22 की रजिस्ट्रेशन है और हैचबैक है। 1000 cc है? 1000 cc है। नॉन हाइब्रिड क्या होता है? मतलब हाइब्रिड नहीं है। ओह वेरी नाइस, बहुत अच्छा। तो भाई ये इसने अभी ली है रिसेंटली, और सेम यही वाला कलर अहमद के पास ही है। उसके इसमें जो है ना वो अलॉय रिम नहीं है, उसके बाद अलॉय रिम है। अच्छा, सीन है। कितने की ली है भाई? यार ये तकरीबन 26 की पड़ी है। 26 की पड़ी है, और अभी मुझे कल हमाद ने बता रहा था कि जो है ना इस पे 6 लाख रुपए बढ़ गए। हाँ ऐसा ही है, सब गाड़ियों पे बढ़ गए। लेकिन तो यार ये ज्यादती है भाई, मैं ये बोलूंगा कि ये ज्यादती, 26 लाख या 31 लाख की गाड़ी ये नहीं है यार। 31 लाख नहीं, लेकिन अंडर 30 जो है ना, 30 के करीब करीब जो है ना अब ये पहुंच गई। भाई अब सीन ये है कि गाड़ी तो अच्छी है, ये सही है, मैंने चलाई भी है इसकी, फैजान की, हमाद की भी चलाई थी। लेकिन एक इसमें ड्रॉबैक ये है कि यहाँ से जो है ना, ये जो ये ना, ये थोड़ी छोटी है इधर से ना, ये इस जगह से जो है ना, इसने स्पेसर लगा के ना इसको थोड़ा बड़ा करवाया, और जो है ना वरना ये ना नीचे लगती है, मतलब पीछे 2-3 फैमिली मेंबर बैठा। यार ये तो जापानी गाड़ी में होता है कि आपको ऊपर करानी पड़ती है, वरना जाहिर है ना हमारे रोड्स तो, और टेस्ट ड्राइव लेते हैं, मैं भी चलाता हूँ, आपको बताता हूँ, आप लोग फिर बताना है आपको कि ये गाड़ी कैसी है, फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन भी दिखाऊंगा। हाँ भाई, तो गाड़ी हम चला रहे हैं, गाड़ी अच्छी है चलने में, ऑटोमेटिक है, मेरी वाली तो मैनुअल है। ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी कम है, इसलिए थोड़ा डर डर के चला, वरना इधर दर्द होता है ना, क्यों इधर दर्द होता है, इधर गाड़ी पे नहीं दिल पे लगता। हाँ ये है, लेकिन मुझे ऐसा फील आ रहा है फैजान कि मैं ना बिल्कुल बोनट पे बैठ के चला रहा हूँ।
वैसा फील, क्योंकि मेरा वाला थोड़ा सी बात है थोड़ी सी सडान है, लंबी होती है ना, ये फील आता है अक्सर। अगर आप वैगनआर चलाओगे तो ऐसा लगेगा बोनट से भी आगे खड़े होकर चला रहे हो। लेकिन वो हाई रूफ चला रहे हो। अच्छा, फील ऐसी आ रही है कि मैं सुनील मंज हूँ और पार्क व्हील का ये ना हम रिव्यू कर रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम पार्क व्हीलर, मेरा नाम है सुनील मंज और पीछे कैमरामैन बैठा है गन के साथ। ये हमारे अरशद भाई है। भाई क्या करें, जरूरी है, पर्क्स ऑफ लिविंग इन कराची। तो गाड़ी अच्छी है यार और ऑटोमेटिक का मजा है भाई। देखिए पहले वो मीम्स आती थी ना कि जो ऑटोमेटिक चलाते हैं वो लड़कियां होती हैं और जो मैनुअल चलाते हैं वो होते हैं असल लौंडे और ये। अबे ये कोई बात नहीं है भाई, अपनी ज़िंदगी को आसान करो, दुनिया ऑटोमेटिक पे पहुंच गई है। मुद्दे ये बात करते हैं कि अगर ये आपको मुझे बेचनी पड़े तो आप कितने की दोगे? यार अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया ना कि वो गलती कर दी मैंने, गलती कर दी, वो 6 लाख नहीं पड़े, 6 लाख कम हो गए। नहीं 6 लाख कम नहीं हुए, लेकिन अगर ये तकरीबन 27 में तो चल ही जानी चाहिए। 27 लाख रुपए की आप मुझे ये दोगे? 27 लाख रुपए जो है इसकी, इस गाड़ी के हैं। ये था ऑप्शन वन, अब लेके चलते हैं आपको ऑप्शन टू की तरफ। वो दूसरा ऑप्शन है फैसल इकबाल, इनकी ये गाड़ी है करोला एल्टिस 1.6 1600 cc इंजन सेडान। ये मेरा भाई, तो क्या सीन है भाई, क्यों ली पहले तो गाड़ी, ये बताओ तुमने यार। यार देखो सबको पता है दुनिया को क्यों ली, लेकिन फिर से बता देता हूँ, स्टोरी टाइम में तुम्हारा आता रहता है। हाँ फिर से बता देता हूँ, सिटी थी 2006 थी, अपडेट होना था 2016 पे आ गए, ठीक है। सिडान पहले भी थी, उस सिडान पे ही रहना था। इंजन बड़ा हो गया, गाड़ी बड़ी हो गई, डिग्गी बड़ी हो गई गाड़ी की। हाँ अपनी भी हो रही है वैसे साथ साथ। सही है अच्छा। इसके अलावा जाहिर है ऑटोमेटिक पे आ गया भाई, मैनुअल से जिंदगी आसान हो गई और लग्जरी बढ़ गई। करोला पे आ गए, मेंटेनेंस कम होती है, उसमें क्या था सस्पेंशन बनवाते रहो बस सिटी का हर वक्त। अभी ये है कि सुकून से चल रही है भाई, अभी मजीद अपग्रेड होना है। ये देखो रिट्रैक्टेबल मिरर नियन के पास, तो ये हाथ से ऐसे करते हैं, यहाँ पे विट्स तुम्हें जीत गई। अच्छा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि एक कीड़ा होता है इंसान के अंदर, वही कीड़ा इन भाई साहब के अंदर भी मौजूद है, इसको भी अपडेट करनी है। सही गाड़ी, इतनी तारीफें कर दी, लेकिन क्यों अपडेट करनी है? क्योंकि मैं भी इंसान हूँ ना, तुमने बोला कि एक कीड़ा होता है इंसान के अंदर, अब मैं भी इंसान हूँ, मेरे अंदर भी है भाई, मैंने भी। गाइस कमेंट करके नीचे बताएं क्या ये शख्स आपको इंसान लग रहा है। तो भाई अभी गाड़ी में बैठे, गाड़ी को मैं ड्राइव लेता हूँ। असलामु अलैकुम, मेरा नाम सुनील मंज और आप देख रहे हैं गाड़ी चेंज हो चुकी है, लेकिन पीछे जो अरशद भाई हमारे वो सेम है और फैसल भाई भी साथ बैठे हुए। मैं भी गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, गाड़ी चलाने में मजा आ रहा है दादा। नहीं लोग तो ये समझ रहे होंगे कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ। नहीं अब तुम ना ये मत समझो कि व्लॉग में ना तुम कॉमेडी करके ना तुम जो है ना बड़ा नहीं, मैं कॉमेडी वो बहुत अच्छा वो लेवल कर जाओगे। तुम यही चाह रहे हो जब से आयो ना, मैं चाह कुछ नहीं रहा, तुम बातें ऐसी कर रहे हो। बहरहाल भाई मैं देखो अभी इसको ये बता रहा था ऑफ द कैमरा कि भाई एक तो ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक, दूसरी बात ये कि आप करोला यूजर हो, आपको इतने ज्यादा डिफरेंस पता नहीं चलेगा। ये बात तो है भाई। एक ये चीज है कि भाई अंदर को अंदाजा होता है कि यार राइट साइड से ऐसे निकालनी है, लेफ्ट साइड पे इतनी ना लग जाए, बिल्कुल ही गाड़ी चेंज हो जाती है ना, उसके बाद फिर आपको महीना लगता है वापस से उस वाली चीज में आने में, ठीक है। अच्छा एक बात, आपने सुनील मंज भाई की बात करी ना भाई, तो उनका कहना यह है कि अगर आप करोला पे जाते हो और बड़े इंजन पे जाते हो और लॉन्ग पे वो अगर 1.3 लेते हो जैसे मोहसिन के पास है, लॉन्ग पे वो जो एवरेज देगी उससे अच्छा एवरेज 1.6 का है। अच्छा तुम पूरा ना बेचने की पॉइंट वो उससे हो, मैं सिर्फ तुमसे एक रिव्यू लेने आया था, लेकिन तुम जो है ना फिर चाह रहे हो कि अभी मैं कैश दूं और पेमेंट करा, टोकन करा। मेरे गाड़ियों की वैल्यू बढ़ चुकी है आपके भाई ने की 2750 की, आपकी मोहब्बत में 2750 की आपकी हुई। नहीं वरना आराम से 28 की चली जाएगी भाई। अच्छा सिर्फ भाई की मोहब्बत 50,000 रुपए की मोहब्बत है वैसे भाई, लाना तैयार। 50,000 की नहीं भाई, सेम प्राइस में दे रहे हैं ना आपका भाई। ये यही ऑप्शन है भाई जो मैंने आपको बताया है, और इन्हीं ऑप्शन के अंदर आपको कोई एक अगर चूज करनी हो तो वो कौन सी होगी? तीसरा ऑप्शन मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो फैसल भाई आप अगर ये मुझे गाड़ी बेचेंगे, ठीक है, तो आप मुझे 2750 की बेचेंगे? हाँ मतलब जितने के लिए उतने की बेचूंगा, कुछ कमी बेशी हो जाएगी भाई, देख ले यार भाई भाई का ख्याल, भाई भाई यार ये करते ना बकरे वालों के, ये करते थे ना भाई भाई तू भी बकरे वाला ही है। चलो एक काम कर लेते ना यार, आप 10,000 रुपए कम दे देना भाई। तू 10,000 ज्यादा ले ली मुझसे ना, सही बात तुमने ऐसी घटिया की है कि 10,000 रुपए ज्यादा लेके मुंह बंद कर दू अपना, ठीक है भैया। तो ये था दूसरा ऑप्शन और ये मुझे मेरे दिल के बहुत करीब है जो बात है। अगर आप लोग करना चाहेंगे चूज तो कौन सी होगी आप बताएं, तीसरा ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूं। तो चलते हैं तीसरा ऑप्शन की तरफ। तो भाई तीसरा जो ऑप्शन है वो है सुजुकी स्विफ्ट 2022 का नया मॉडल, टॉप नॉच मॉडल, जो मेरे पीछे आपने अभी सिनेमैटिक शॉट्स देखे उसके,
वो है 2899 का, ठीक है। और ये इनका प्रीमियम हैचबैक एडॉन कार है। एडॉन कार ये होती है कि भाई आप जैसे आपके पास एक लग्जरी कार है तो उसके साथ एक गाड़ी आप रखते हो, लेकिन वो गाड़ी भी ऐसी तो होनी चाहिए ना कि उसको चलाने में मज़ा आए, इन्जॉय करें आप। तो ये एडॉन कार है, स्पोर्टी लुक है, बड़ा अच्छा। इसकी फीचर्स में कुछ आपको बताया था, DRL हेडलाइट्स हैं, रिट्रैक्टेबल पावर मिरर्स हैं, और इसका जो टेलीस्कोपिक टिल्ट पावर स्टीयरिंग, और क्लाइमेट कंट्रोल AC है, 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मौजूद है, ट्रंक स्पेस भी अच्छी है, लेग स्पेस भी अच्छी है, तो इसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा दिल आ गया है आपके भाई को। तो आप लोग मुझे बताएं कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो भाई ये थे 3 ऑप्शंस, वेट्स, करोला, स्विफ्ट। अब आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बताएं और पूरी डिटेल में बताना कि कौन सी जो है ना मेरे हिसाब से सही रहेगी। तो ये और ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं मुझे पता है, लेकिन अभी आप 3 इन गाड़ियों में लिमिटेड हैं, आप इन 3 में से मुझे बताएं। तो जो होगा फिर उसके बाद देखी जाएगी, और अगर ली गाड़ी तो फिर उसका व्लॉग भी बना के डालेंगे, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा कंसिस्टेंट हो जाएं। अभी कराची के हालात ऐसे हैं यार, क्या करें, डर लगता है, लेकिन करना तो पड़ेगा ना भाई, यूट्यूब को भी तो चलाना है। ठीक है भाई, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, चलो शाबा कटो।